हे हाय एंड हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, यह वीडियो मैंने इस टॉपिक पर बनाया है कि सर्दियों के दिनों में किस तरह के फूलों के पौधे लगाए जाएं। नमस्कार, मैं हूं आपकी हरित क्रांति मित्र प्रियंका कुमारी। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि सर्दियों का दिन अलग अलग तरह के फूलों को उगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आइए देखते हैं कुछ इसी तरह के फूलों वाले पौधे जिन्हें हम सर्दियों में आसानी से उगा सकते हैं। सबसे पहले देखिए इस पौधे को, यह गेंदा का पौधा है, इसे मैरीगोल्ड भी कहा जाता है। इसे आप बीजों से भी उगा सकते हैं और नर्सरी से इसके पौधे भी ला सकते हैं। इसके छोटे छोटे पौधों को लाकर भी आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर शेप के पॉट में मैंने तीन चार पौधे लगा रखे हैं। इस पौधे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें बस एक बात का आपको ध्यान रखना होता है कि इसमें पानी की कमी ना हो। पानी की कमी होने पर ये पौधा जो है वो मुरझाने लगता है, इसकी पत्तियाँ लटकने लगती हैं। इसमें हर एक दिन पानी डालना चाहिए। देखिए गेंदा के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। ये अलग अलग कलर में, येलो, ऑरेंज, वाइट, अलग अलग रंगों में आते हैं। इसके फूल एक बार खिल जाते हैं तो काफ़ी दिनों तक, तकरीबन सप्ताह दो सप्ताह तक खिले हुए रहते हैं। और इसके फूल और इसके पत्तियाँ दोनों ही खुशबूदार होती हैं। यह देखिए, ये उजले रंग का गेंदा है, यह वाइट कलर का गेंदा का फूल देखिए, यह कितना खूबसूरत हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप अपने मनपसंद रंगों में गेंदा के फूल को लगा सकते हैं। सर्दियों में यानी विंटर सीजन में लगाया जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण पौधा है कैलेंचो का पौधा। यह कैलेंचो का पौधा है। कैलेंचो का पौधा बहुत छोटा सा ही आप लगा सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसके एक पौधा से आप अनेक पौधा बना सकते हैं। इसके एक पौधे की छोटी छोटी भाग को, छोटी छोटी डालियों को तोड़कर अगर आप लगा दें सितंबर के महीने में, तो ये पूरा डाली जो है एक पौधा बन जाता है। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं। इसकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। पत्तियों के शेप, किनारे किनारे जो कटिंग होती है, ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। पत्तियों में हरे और लाल रंग के डिज़ाइन बने हुए हैं। ये देखिए, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसमें आपको हर एक दिन पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी तरह की मिट्टी में इसे लगा दें, यह अपने आप ही अपना ध्यान रख लेता है। इसमें लाल, नारंगी और पीले रंग के फूल खिलते हैं। इसके फूल स्टिक में निकलते हैं, यहाँ से इसकी लंबी डंडी जैसी निकलती है और उसमें गुच्छों में फूल खिलते हैं। इस पौधे की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। यह पौधा छोटा गोलाकार रूप ले लेता है। सर्दियों में उगाया जाने वाला तीसरा पौधा एस्टर, इसका नाम एस्टर है। इसे मैंने हैंगिंग पॉट में लगा रखा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा गहरी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी पत्तियाँ काफ़ी सुंदर होती हैं। इसमें भी स्टिक में, लंबे स्टिक में फूल खिलते हैं। इसके फूल गोल गोल होते हैं। कई वैरायटी, कई रंगों में इसके फूल आते हैं। लाल रंग, बैंगनी रंग, पिंक कलर में भी इसके फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। एक दो दिन बाद भी आप पानी डालेंगे तो चलेगा। सर्दियों में उगाए जाने वाला चौथा फूलों का पौधा में से एक है। चौथा पौधा चंद्रमल्लिका। देखिए, यह चंद्रमल्लिका का पौधा है। इसे मैंने 8 इंच गहरे पॉट में लगाया है। ये किसी भी तरह की मिट्टी में उग जाता है। इसकी मिट्टी में गोबर का खाद मिला दें तो बहुत अच्छा है। चंद्रमल्लिका का छोटा सा पौधा धीरे धीरे काफ़ी घना हो जाता है। इसमें कई वैरायटी के फूल आते हैं। देखिए, मेरे इस पौधे में उजले रंग का फूल आया हुआ था। फिर जहाँ से फूल आता है उसको फूल सूखने के बाद तोड़कर हटा देते हैं तो वहाँ से नई नई ब्रांचेस निकल आती हैं। नई नई ब्रांचेस में फिर से नए नए फूल निकलने लगते हैं। इस तरह से पौधा जो है वो घना होता जाता है और सर्दियाँ भर ये फूल देता रहता है। सर्दियों में उगाया जाने वाला पांचवा पौधा यह है पिटूनिया। पिटूनिया का पौधा, जो जो भी थोड़े भी पौधे के प्रेमी होंगे उन्हें पिटूनिया का नाम तो पता होगा। यह छोटा सा पौधा है जिसे मैंने नर्सरी से लाकर लगाया है।
यह पौधा धीरे धीरे घना हो जाएगा। इसमें काफ़ी बढ़िया बड़े आकार के फूल खिलते हैं। इसके फूल गुच्छों में आते हैं। कई वैरायटी, कई रंगों के फूल होते हैं, बड़े बड़े आकार के, लाल रंग, बैंगनी रंग, पिंक, जैसे भी आपके मन हो वैस तरह का आप वैरायटी खरीद सकते हैं बाज़ार से। दोस्तों, यह है सर्दियों में उगाया जाने वाला छठा पौधा। यह है साल्विया का पौधा। इसमें साल्विया के फूल खिलते हैं। दोस्तों, इस पौधे को थोड़े गहरे पॉट में लगाएं तो अच्छा है। यह पौधा थोड़ा लंबा होता है, 1 से 1.5 फीट का लंबा हो जाता है यह। इसमें हर एक दिन आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। इसके मिट्टी को आप कभी भी सूखने न दें और इसे फुल सनलाइट में रखें। इसमें गुच्छों में फूल खिलते हैं। एक बार जब इसके फूल खिल जाते हैं तो सप्ताह 2 सप्ताह तक फूल बने रहते हैं। सर्दियों में लगाया जाने वाला 7वां फूलों का पौधा डहलिया का पौधा। देखिए दोस्तों, यह डहलिया का पौधा है। डहलिया के पौधे को गहरे पॉट में लगाना चाहिए। इसका पॉट कम से कम 15 इंच गहरा होना चाहिए। यह पौधा लंबाई में बढ़ता है। इसकी लंबाई 1 फीट से 1.5 फीट 2 फीट तक चली जाती है। उसके बाद स्टिक में इसके फूल खिलते हैं। इसके फूल काफ़ी बड़े आकार के, आपकी हथेली के आकार तक के हो सकते हैं। इसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। इसका एक फूल भी अगर खिल गया तो पूरे गार्डन में इस पर ही नज़र जाएगी। इसके फूल अलग अलग रंगों में होते हैं, बैंगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग, मल्टी कलर में भी आते हैं इसके फूल। आपको जैसा मन हो आप उस तरह के वैरायटी खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, सर्दियों में उगाया जाने वाला यह 8वां पौधा है कैलेंडुला का पौधा। कैलेंडुला का पौधा बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा आप इसे घर पर सीड से भी उगा सकते हैं। इस पौधे की पत्तियां पालक के पत्ते की तरह होती है। यह पौधा छोटा होता है, थोड़ा घना हो जाता है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती। यह अपने आसपास पत्तियां फैलाए रहता है। आप एक पॉट में 2 से 3 पौधे तक लगा सकते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रहे कि इसकी मिट्टी कभी सूखे नहीं। इसमें रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। यह देखिए कैलेंडुला का फूल कितना सुंदर लग रहा है। यह पीले रंग का फूल है। कई तरह के वैरायटी, कई तरह के रंगों में इसके फूल आते हैं। आपको जैसा पसंद हो वैसा पौधा आप लगा लें। यह है सर्दियों में लगाया जाने वाला 9वां पौधा, जिसे डायंथस के नाम से जाना जाता है। इसे मैंने हैंगिंग पॉट में लगा रखा है। इसकी लंबाई तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन यह बूशी हो जाता है। इसमें कई रंगों के फूल खिलते हैं। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसके फूल ऐसे लगते हैं देखने में जैसे कि मानो तितलियाँ बैठी हुई हैं। इसके फूल एक कलर या मल्टी कलर में भी आते हैं। इसके बैंगनी कलर के फूल बहुत सुंदर लगते हैं। इसमें आप डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। आपको 1 दिन 2 दिन के बाद भी पानी देंगे तो चलेगा, लेकिन इस पौधे को फुल सनलाइट में रखना ज़रूरी होता है। दोस्तों, सर्दियों के दिनों में लगाए जाने वाले पौधों में यह 10वां पौधा है, नेस्ट्रेशियम का पौधा। यह पौधा धीरे धीरे घना हो जाता है। इसमें गुच्छों में फूल खिलते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसके पत्ते गोल होते हैं, गोलाकार पत्ते। बहुत कम पौधे में ही पाए जाते हैं। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो इसके फूल कितने खूबसूरत लगते होंगे। इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। सर्दियों के दिनों में, विंटर सीज़न में उगाया जाने वाला 10वां बहुत सुंदर और प्यारा पौधा सिलोसिया। फ्रेंड्स, यह सिलोसिया का पौधा है। देखिए यह पौधा कितना सुंदर है। यह छोटा सा पौधा धीरे धीरे करके यह 1 फीट तक लंबा हो जाता है, और इसका फूल वाला ये भाग करीब 1/2 फीट तक लंबा हो जाता है। इसके रंग बहुत सुंदर लगते हैं। इसके पत्तियां मिर्च के पौधे की पत्तियों की तरह होती हैं। फ्रेंड्स, ये कई कलर में आते हैं। देखिए ये लाल रंग का सिलोसिया, ये पीला रंग का सिलोसिया, और ये ऑरेंज कलर का। इन तीनों को मैंने एक ही पॉट में लगा रखा है। एक रेक्टेंगुलर पॉट में 3 पौधों को आप लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जगह घेरता नहीं है। इसकी ग्रोथ जो है वो लंबाई में होती है। इसे रेगुलर वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। 1 दिन 2 दिन के बाद भी पानी देंगे तो चलेगा। फ्रेंड्स, यह है सर्दियों के दिनों में लगाया जाने वाला 11वां पौधा, क्रैसेंथेमम यानी गुलदावदी का पौधा।
यह पौधा कटिंग से लगाया जाता है। यह 1 से 2 फीट तक का ऊंचाई वाला हो जाता है। यह पौधा धीरे धीरे घना हो जाता है। आप इसके ब्रांचेस को तोड़ते जाएं, इसके सूखे हुए फूलों को तोड़ते जाएं, वहाँ से नए ब्रांच और नए फूल निकल आते हैं। इसके फूल एक बार अगर खिल जाएं तो यह महीना भर खिले हुए रहते हैं। इसके फूल जो हैं कई रंगों में आते हैं। यह देखिए, यह पिंक कलर का शेड है, पिंक पर्पल मिक्स है। इसके उजले रंग के फूलों के लिए गुच्छे भी पौधे भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप अपने बगीचे में लगाएं। फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो गार्डनिंग पर मैं बनाती रहती हूँ। अलग अलग तरह के फल, फूल, सब्जियों के बारे में मैं बताती रहती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।